दोस्तों नमस्कार, आज मेरे साथ हैं सोनम राजपूत जी। ये बिहार के मोतिहारी से हैं। पिछले 5 साल से इनको पेट की समस्या थी। जब ही आए थे हमने इनका पेट जब चेक किया था, इनको भयंकर नले पड़े थे। पेट इनका पूरा पत्थर की तरह टाइट था। ऐसा हमारे पास 6 सालों से मैं IBS का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। ये दूसरा ऐसा केस मेरे पास आया था जो इतना भयंकर टाइट था पेट, समझ गए। वो पेट को नरम करने में हमें काफ़ी समय तो लगा, लेकिन अब ये अच्छे हैं। इनको जो सिम्टम्स थे, जो लक्षण होते थे, कॉन्स्टिपेशन भी था इनको। दूसरा, पूरे दिन इनका पेट जो है भरा भरा लगता था, कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। जी सर, एक रोटी खाती थी मैं पूरे दिन में। एक रोटी खाती थी। अभी कितना रोटी खाती हूँ सर? 5 खा लेती हूँ, पर उससे भी भूख नहीं खत्म होती। हाँ सर। तो अभी इनको भूख जो है बहुत ज्यादा लगती है। एक रोटी खा पाती थी, अभी 5 रोटियां खा रही है। दूसरा, इनको टाइफाइड हो गया था, लगभग 2019 में हुआ था। जी सर, मार्च में स्टार्ट हुआ। मार्च 2019 में इनको टाइफाइड हुआ, उसके बाद से इनको पेट की समस्या जो है शुरू होना स्टार्ट हो गया। इस तरह की दिक्कत थी। इन्होंने इससे पहले एलोपैथी में भी काफ़ी दवाइयां कराई, होम्योपैथी में भी कराई, आयुर्वेदिक चूर्ण भी खूब खाया और न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट भी इन्होंने दिल्ली में लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आए थे। अभी आप ये बताओ कि आपको जब ये शुरुआत हुआ तो क्या क्या लक्षण होता था, दिक्कत क्या क्या होती थी वो बताओ। सर मुझे जब ये शुरुआती हुआ तो मुझे लूज मोशन बहुत आया था। फिर मैंने अपने मोतिहारी में ही दिखाया था डॉक्टर को, तो उन्होंने चेक किया, बोला कि कुछ भी नहीं है। सारे रिपोर्ट करवाए मैंने, MR भी करवाए, सारे रिपोर्ट, तो उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं है तुझे। तो फिर मैंने बोला सर मुझे कुछ भी नहीं है, तो फिर मेरा वजन लॉस क्यों हो रहा है? तो बोले कि तू पागल हो गई है। तो सर मैं उनके यहाँ जाना बंद कर दिया। फिर मैंने होम्योपैथी खाना स्टार्ट किया सर, उससे भी मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आया। फिर मैंने आयुर्वेदिक में गई, उससे मेरी और हालत मेरी खराब हो गई सर। फिर मैंने उम्मीद छोड़ दिया कि अब मेरी कोई इलाज नहीं। फिर मैंने एक दिन मैंने वीडियो देखा न्यूरोथेरेपी का, तो फिर मैं सर दिल्ली गई, वहाँ पे थेरेपी लिया मैंने 3 महीने। मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आया वहाँ पे, कुछ रिजल्ट नहीं आया। फिर मैं घर वापस आ गई सर। फिर मैंने अचानक एक दिन मैंने सर आपका वीडियो देखा तो मुझे अच्छा लगा सर, क्योंकि आपका डाइट भी अच्छा था यहाँ पे। मुझे डाइट के बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना हमें। तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि यहाँ पे डाइट है और आप अपने पास रह के थेरेपी देते हो 2 बार, और ऊपर से सुबह में योगा भी करवाते हो। मुझे सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने आपसे बात किया, फिर मैं आपके यहाँ आ गई। तो अभी पेट जो है आपका नरम है? काफी नरम हो गया सर, काफी सॉफ्ट हो गया। अच्छा हो गया, सॉफ्ट हो गया। पहले इनका पेट, मैं सही आपको बताया कि दूसरा केस ऐसा आया था जिनका पेट जो है इतना ज्यादा टाइट था, खतरनाक टाइट था, एकदम लग रहा था कि भाई कुछ पत्थर जैसा पूरे में रखा हुआ है। अब आमतौर पे जब मैं नले चेक करता हूँ, दूसरे भी पेशेंट आते हैं, तो उनको नाभि के लेफ्ट राइट में थोड़ा बहुत टाइट रहता है, नले पड़े रहते हैं, बट इनके जितना नले जो है मैंने दूसरी बार देखा था, ठीक है। तो अभी आप कुछ और कहना चाहोगे? यहाँ पे रहे, खाए, पिए, योगा किया सर, यहाँ पे आने के बाद तो मुझे लगा ही नहीं सर। पहले 1-2 दिन मुझे थोड़ा मन नहीं लगा, फिर धीरे धीरे यहाँ रहने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ आने पे मुझे अच्छा रिजल्ट आया सर, और अपना जैसा लगा। पूरे सेंटर के लोग हैं जो अपने जैसे लगे मुझे सर, खासतौर आप मैम हैं, मेरे सारे थेरेपिस्ट लोग हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छा थेरेपी भी देते हैं, बहुत दिल जान से अच्छा थेरेपी देते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। देखिए इनकी जो प्रॉब्लम थी, मैंने आपको बताया कि दूसरा ऐसा केस आया था, बट अगर इसको इनके जैसा कंडीशन ना हो, उसके लिए आप अगर ट्रीटमेंट लेने नहीं आ पा रहे हो, तो उसके लिए एक सलाह दे रहा हूँ। जब भी आपको आना है तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगा ठीक करने, ठीक है, क्योंकि इनको ठीक करने में मुझे काफ़ी समय लगा, ठीक है। अगर आपको IBS हो गया है, डायग्नोस हुआ है, खाया पिया लगता नहीं है, वजन कम होते चला जा रहा है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है अपने डाइट पे, जिसमें से आपको दूध, घी, गुड़, कुछ भी इस तरह का आपको बिल्कुल ख़त्म कर देना, यानी डाइट से बिल्कुल हटा देना है, ठीक है। सादा भोजन आपको स्टार्ट कर देना है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल आप खा सकते हैं,
ठीक, लेकिन दूध घी या कई बार आपको डॉक्टर्स जो है बोल देते हैं कि आंतों की चिकनाई बढ़ाने के लिए गाय का घी लो। मेरे भाई, जब घी को पचाने के लिए हमारा पेट, पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनका फंक्शन ही ठीक नहीं है, यानी कम काम कर रहे हैं, तो आपको कैसे लग रहा है कि वो घी आपके आंतों की चिकनाई बढ़ाएगा? ये सोचने वाली बात है, ठीक है? आपको तो कोई भी बोल देता है, तुरंत जाके वो शुरू कर देते हो, बाद में क्या होता है कि और ज्यादा पेट आपका टाइट हो जाता है। ठीक, तो वो सब गलती हमें नहीं करनी है। अगर कॉन्स्टिपेशन है आपको, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आज से ही इस सब गोल लेना शुरू कर दो। जब भी आपको समय मिलेगा ट्रीटमेंट कराने के लिए, आप आना, अभी भी आ सकते हो, ठीक है? नो डाउट, हमारा थेरेपी सेंटर हमेशा चालू रहता है आपकी सेवा में। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन है, नहीं आ पा रहे हो, या 2 महीने या 3 महीने के बाद आप प्लानिंग कर रहे हो आने के लिए, तो अभी से ये काम कर लेना। कॉन्स्टिपेशन लेके बैठे नहीं रहना कि भाई 3 दिन के बाद प्रेशर आ रहा है, 2 दिन के बाद आ रहा है, या टुकड़े टुकड़े में निकल रहा है, पेट थोड़ा भी दबाने से अगर आपका हार्ड लग रहा है, ज़्यादा टाइट लग रहा है, तो आपको पेट साफ करने के लिए आप त्रिफला चूर्ण लो या इसबगोल लो, कुछ भी लो, लेकिन पेट को साफ करो, ठीक है? तो पेट जो है आपका ज़्यादा टाइट नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, लेके अगर बैठे रहोगे, कुछ भी खाते रहोगे जो मैंने बताई, तो आपका पेट टाइट होता चला जाएगा, फिर हमें ठीक करने में ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ पर ज़्यादा समय आपका लगेगा, ज़्यादा पैसा भी आपका जाएगा, ठीक है? समय भी जाएगा, आपका समय बहुत कीमती होता है आज के ज़माने में, ठीक है? वो चीज़ का आप ध्यान रखिए, और 100% ये बीमारी जो है क्योरेबल है, ठीक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।